हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमन सरताज ब्लॉग। और आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, ना आमेर फोर्ट की आई है, ना जयपुर की अलग अलग जगहों की नहीं आई है। तो इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि मुझे कोविड हो गया है। तो आज हम देखेंगे हमारे कोविड के एक्सपीरियंस को कि हमको कैसा लग रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोविड हुआ कैसे मेरे को। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये जो प्राणी बैठे हैं ये हैं, ये हाय बोल रहे हैं, इनकी वजह से ही कोविड हुआ। कैसे हुआ वो इनसे ही जानते हैं। हाँ जी, तो ऐसा क्या किया आपने जो कोविड हुआ? मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हो गया। जैसे प्यार होता है वैसे कोविड भी हो गया। प्यार होता है वैसे कोविड हो गया, पता नहीं चलता ना कब। इस इंसान के ऑफिस में 10 से 15 लोग कोविड पॉजिटिव थे और ऊपर से ये इंसान बीमार होके आया और फिर मुझसे मालिश करवाता है। हाँ, तो वो उस टाइम पता नहीं था कि मेरी थोड़ी सेवा करो, इसकी सेवा के चक्कर में हमारे भी लग गए। मैं श्योर नहीं कि मेरे वजह से तेरे को हुआ, क्योंकि तू वैसे मैं ब्लॉगिंग के लिए बाहर जाता तो वहाँ से भी ले आया हो, क्या पता हो सकता तेरे से मेरे को आया हो। तो हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते किससे किसको आया। देख रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब इस बंदे ने काम कर दिया खुद, ठीक है मेरी हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, आप बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया। रैंडमली आप खाना बाहर से मंगवा रहे हो, ओके, और आप बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हो, हाँ, लाइक आप ब्लॉगिंग के लिए जा रहे हो या रेस्टोरेंट जा रहे हो, कहीं मेरे वहाँ से भी आ सकता है डिलीवरी बॉय, आप उसको देख के जा सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरे से हो सकता है, लेकिन ट्रैक नहीं कर सकते आपके पास वो नहीं है, आपके पास क्या कहते हैं प्रूफ नहीं है, आपके पास उतना सबूत नहीं है कि हाँ मेरे से ही आया। इन्होंने 50-50 बोल दिया कि 50% हो सकता है कि मुझसे हुआ है, 50% हो सकता है कि बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ मैं, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह, बाहर से खाना वाना मंगा लिया तो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि थर्ड वेव आ गई है और हमने उसका स्वागत किया है बहुत ही अच्छे से। हर बार हम करते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे को कम से कम 4 बार कोरोना हो चुका है, ये मेरा शायद 5वीं बार कोरोना है। तो मैं भी मास्क लगा लेता हूँ। जैसा कि इस फ्लैट में हम 3 लोग रहते हैं, सुमित, भवानी और मैं, मतलब मैं रहता नहीं हूँ, मैं इनका मेहमान हूँ, ठीक है। और ये मेहमान 1 तारीख को जाने वाला था, बट भाइयों के प्यार ने रोका और ऐसा रोका कि अब वो बाहर बैठे बैठे गालियाँ दे रहा है कि क्यों नहीं गए तुम लोग, ठीक है। सेम भवानी के साथ था, भवानी भी जाने वाला था, उसको भी भाइयों का प्यार दिखा के इसने रोक बोला कि तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा, 15 दिन और रुक जा तू यहाँ पे, फिर तू तेरे चले जाना, मैं मेरे अगर ठीक है, इसको भी बोल दे चल 15 दिन और रुक जा। तो वो बोलते हैं ना, पूरे दिन में एक बार अपनी जीप पर सरस्वती बैठती है, तो उसके जीप पे उस टाइम सरस्वती बैठी थी और वो 15 दिन का जुगाड़ हो गया है। हम क्वारंटाइन है एक रूम के अंदर, इस फ्लैट के अंदर 2 रूम है जिसमें पूरा एक रूम पे कब्जा हम दोनों का हो गया। हमारे ये 2 बिस्तर है, ये वाला मेरा, ये वाला इसका, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या प्रोटेक्शन ली है, एक तो मास्क जो मैंने थोड़ी देर पहले नहीं लगा रखा था अब लगा लिया है, ठीक है। साथ में हमने सैनिटाइजर दिखाना अपना, एक बोतल हमने छिड़क के रूम में ख़त्म कर चुके हैं, दूसरा ले आए हैं। अब इसको सारे दिन हाथ पे मलते रहते हैं, शरीर पे मलते नहीं रहते, स्प्रे करते रहते हैं, बिस्तर पे स्प्रे करते रहते हैं। तो कोरोना टाइम के अंदर हम ये वाला काढ़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ पैकेट्स आते हैं जो गर्म पानी में डाल के घोल के फिर पीते हैं, तो टेस्ट में बहुत अच्छा और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, ठीक है। ये आप देखोगे तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूंठी, अश्वगंधा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। हम इसका कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, बट मैं बता रहा हूँ हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं, सफोला का जो आता है, ठीक है। देन उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ गिफ्ट पैक में देते थे, लेकिन हमको सारे मंगवाने थे तो हमने ये थाली मंगवा ली पूरी, ठीक है। इसको भी यूज़ करते हैं हम, इसको भी खाते रहते हैं बैठे बैठे। और ये काचा बादाम जो आप गाना सुनते हो, ये मूंगफलियाँ हैं, ठीक है, ये गरीबों का बादाम होता है, ठीक है, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है थोड़ी एनर्जी बढ़ाने के लिए शरीर में, तो ये भी खाते हैं हम। उसके बाद हमने एक केतली रख रखी है गर्म पानी की, हम ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते, बाहर से सुमित हमको ये बोतल भर के दे देता है, इसके अंदर हम गर्म करते हैं और सिर्फ गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते। और खाने के अंदर हम ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम खाते सिर्फ खिचड़ी या चावल, दाल चावल खाते हैं या खिचड़ी खाते हैं, ठीक है, या
दाल के साथ रोटी खाते हैं, हम कुछ ऐसा हैवी खाना बिल्कुल नहीं लेते हैं जिससे आपका पेट भी सही रहे, क्योंकि हम इस रूम से बाहर नहीं जा पाते, बैठे रहते हैं, तो पेट भी सही रहेगा तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो हमेशा हल्का खाना खाते हैं हम। तो इतने बड़े रूम के अंदर ये हमारी सोने की व्यवस्था है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे भवानी सोता है, ठीक है। धूप नहीं निकल रही है तो हमारे लिए ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है, धूप निकलती तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाते, बट हमने धूप नहीं देखी 3 दिन से, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पे वापस सो जाते हैं। तो यही रूटीन चल रहा हमारा, हम बाहर नहीं जा पा रहे। तो डॉक्टर ने हमको 3 दिन की दवाइयाँ दी है, बोला 3 दिन तक आप दवाइयाँ लो, उससे आप बेटर फील करोगे। अगर कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो एडमिट कर देंगे, अगर दिक्कत नहीं आ रही है, नॉर्मल बुखार चलता ही रह रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट 7 डेज़ की दवाइयाँ और दे देंगे। और बिल्कुल ही बुखार वुखार आना बंद हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा टेस्ट कर लेंगे आपका, और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाओगे, फिर आप कहीं भी घूम सकते हो। देखिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी यहाँ पे धूप आ जाती है तो उसका हम आनंद उठा पाते हैं। तो स्पेशली थैंक्स बोलना चाहेंगे मैं और भवानी, किसको? सुमित को। सुमित ने हमारा बीवी की तरह ख्याल रखा है, ठीक है। हर टाइम पूछता रहता है क्या खाओगे, चाय बना दूँ, कॉफ़ी बना दूँ, तो इन्होंने कल रात को 12 बजे एकदम जाग आई तो इन्होंने मैसेज किया कि मेरे को हल्दी वाला दूध चाहिए। तो वो बंदा मतलब जनरली अगर हम ठीक होते तो इतना काम नहीं करता, बट उसे पता है हम दोनों की सिचुएशन ख़राब है, तो वो रात को उठ के उसने इसके लिए दूध बनाया, मेरे लिए भी बनाया। मैंने मजाक में बोला था वो ले आया। हाँ तो सीरियसली मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, हर टाइम पूछता रहता है कोई दिक्कत हो रही हो, कोई दवाई लेके आनी हो, क्या खाना है, सब कुछ आप बताओ मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है मैं कर दूंगा। लेकिन जिस दिन तुम ठीक हो गए उस दिन तुम्हारे लात मार के निकालूंगा बाहर, और नेक्स्ट टाइम से जब तुम रूम पे आओगे तो अपनी रिपोर्ट साथ लेके आना, दोनों इंजेक्शन की और साथ में RT-PCR। तो हमारी दिनचर्या पूरे दिन इसी चीज़ में निकल जाती है कि कभी ये पानी गर्म करे, कभी मैं पानी गर्म करूँ, एक दूसरे को पानी पिलाते रहते हैं। तो ये आदमी है वो उसको परेशान करता रहता है, ये डालो वो डालो, वो आराम से खाना पीना अपने आप पूछ लेता है, लेकिन इसके पंगा रहता है उसको छेड़ने का, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। अब उनकी मांग आई है कि इसका गला दबा दिया जाए कोविड से, पीछा छोड़। बताइए आपका गाना बताइए। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये भरेगा। तो ये गाना ये इसलिए गा रहे हैं कि हम दोनों घर जा रहे थे 1 तारीख को, उसने यारी दोस्ती में हमको रोका और आज उसको सारा काम करना पड़ रहा है, हम यहाँ आराम से बैठे हैं। और क्या, आग ला दे, वायरस भी खत्म, आदमी भी खत्म। भाई क्या बोलता है, जिंदगी का टंटा है खत्म करेगा, है ना? तो सैनिटाइजर पी ले, एक काम कर ले, पूरा शुद्ध हो जाएगा। हाँ ये वाला सैनिटाइजर पी ले, पी ले, पी ले। चाय पिला कर तुझे। दुख दुख देखो, मैं तेरे को पहले बोला पलसर तो मैं लिया, तो लाया नहीं, मेरी गलती थोड़ी है। तू कल बोला था डिस्पोजल लाने के लिए, उसका क्या हुआ? मैंने बोला था डिस्पोजल, बोला था डिस्पोजल लाऊंगा। कोविड पेशेंट उसको डिस्पोजल वाले की दुकान पर जाएंगे क्या बेचारे को स्कोर करके आएगा? जल्दी आएगा तेरी वो ही नहीं आई मैं, बाकी सब कुछ आ गया। कोरोना पॉजिटिव आ गया।
कोरोना पॉजिटिव आया कहीं सैलरी अभी तक नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई बीच में, लेकिन लेने जाना पड़ेगा लगता है उसको। चाय, गरम चाय कोरोना वालों के लिए, चाय जल्दी कर लेते, जब चाय बनती है तभी तो खाली कर दिया, बाद में वेट करता फिर तो आजकल तो चाय नहीं मिलेगी तेरे को। चाय कोरोना वालों की चाय। तो ये ऐसे जैसे जेल के अंदर देते हैं ना चाय, अपना अपना बर्तन ले आओ। जेल के अंदर कोई ऐसे आराम से नहीं रहता। हाँ सॉरी, तो जब मिलती है तभी मिलती है, तुम्हारी तरह नहीं है बीच में कि हाँ भाई आ जाओ चाय चाहिए। बंदा मीटिंग से उठ के आता तुम्हारे लिए। वेरी गुड वेरी गुड, वी अप्रिशिएट योर वर्क। 26 जनवरी को तेरे को चॉकलेट। अरे सुन, मैं क्या करूँ, 26 जनवरी छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा गरीब हूँ, मैं थोड़ा सा सब कंपनसेट कर लूंगा। तो एक काम कराते, सैलरी है 500 रुपए, मैं अकाउंट ट्रांसफर कर दे अपना, देखूंगा। क्या वो जग दिलाएंगे तेरे को पानी का? जग नहीं, तुम 500 रुपए दे देना अपने आप, देखूंगा क्या करना मुझे। बोल क्या बोलता है, क्या मुझे प्यारा रहे तो। और बोल, आवाज नहीं रही क्या? पुरस्कार ले, मैं चाय बाहर ले लेता हूँ। जा हो गया काम तेरा, कपड़ा तेरी चाय। तो ये चाय बना के दी है भाई ने हमको, अभी चाय बहुत अच्छी बनाई है। तो जनरली जो मेन सिम्टम्स मेरे को लगे कोविड में, मेरे को कैसा फील हो रहा है कि एक तो मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है, ठीक है, साथ में मेरा सर है, सर में बहुत दर्द हो रहा है और सर में चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ घूम रहा है, ऐसा फील हुआ। गले में कोई दर्द नहीं है, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, ठीक है, और कफ वगैरह ऐसा भी कुछ भी नहीं है, बट पूरा बॉडी पेन करता है, ठंड लगती है, सर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है और वो पूरा घूमता है, ये जनरली मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। फीवर जब तक आप पैरासीटामोल ले लेते हो थोड़ी देर उतर जाता है, और जैसे उसका असर कम होता है तो फिर वो वापस चढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोविड हो गया है तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, साथ में आप खाने पीने का ध्यान रखें और बिजी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें, क्योंकि आप एक रूम के अंदर है और उस रूम के अंदर बैठे बैठे आप कितनी देर मोबाइल चलाओगे, मोबाइल के अंदर कितनी देर लोगों से बात करोगे। थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहें, या तो आपका ऑफिस का काम कर लें, आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप रेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज टीवी वगैरह अगर आपके रूम में है तो टीवी देखते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें और रेस्ट कीजिए, इस बीमारी को आप आराम से हरा सकते हैं। अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो वैक्सीन लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जयपुर की बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।